बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक तिजारती काफ़िला मदीना मुनव्वरा आया और उन्होंने ईदगाह में क़याम किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो कि हम दोनों इस काफ़िले का चोरों से पहरा दें? उन्होंने कहा, ठीक है। चुनाचे ये दोनों हजरात रात भर काफ़िले का पहरा भी देते रहे और बारी बारी नमाज भी पढ़ते रहे। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने जाकर उसकी माँ से कहा, अल्लाह से डर और अपने बच्चे का ख्याल कर। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी जगह वापस आ गए। फिर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जाकर दोबारा उसकी माँ को वही बात कही और अपनी जगह वापस आ गए। जब आखिर रात हुई तो फिर उन्होंने उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो जाकर उसकी माँ से कहा, तेरा भला हो, मेरा ख्याल है कि तू बच्चे के हक़ में बुरी माँ है। क्या बात है कि तेरा बेटा आज रात सारी रात आराम ना कर सका? उस औरत ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आज रात तो बार बार आकर तुमने मुझे तंग कर दिया। मैं बहला फिसलाकर इसका दूध छुड़ाना चाहती हूँ लेकिन ये मानता नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, तुम इसका दूध क्यों छुड़ाना चाहती हो? उस औरत ने कहा, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु सिर्फ उस बच्चे का वजीफ़ा मुकर्रर करते हैं जो दूध छोड़ चुका हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, इस बच्चे की उम्र क्या है? उस औरत ने कहा, इतने महीने का है। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, तेरा भला हो, इसके दूध छुड़ाने में जल्दी ना कर। फिर आप वहाँ से वापस आए और फजर की नमाज पढ़ाई और नमाज में बहुत रोए। ज़्यादा रोने की वजह से उनका कुरान लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। सलाम फेरने के बाद आपने लोगों से कहा, उमर के लिए हलाकत हो, उसने मुसलमानों के कितने बच्चे मार डाले। कि उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने असूल ये बताया कि दूध छुड़ाने के बाद बच्चे को वजीफ़ा मिलेगा, इस वजह से नामालूम कितने बच्चों का दूध कबल इस वक़्त छुड़ाया गया होगा और बच्चों को तकलीफ़ हुई होगी। फिर अपने मनादी को हुक्म दिया कि वो ये ऐलान करे कि खबरदार, तुम अपने बच्चों का जल्दी दूध ना छुड़ाओ क्योंकि हम हर दूध पीते मुसलमान बच्चे का भी वजीफ़ा मुकर्रर करेंगे। और तमाम इलाकों में भी अपने गवर्नरों को ये लिखवाकर भेजा कि हम हर दूध पीते मुसलमान बच्चे का भी वजीफ़ा मुकर्रर करेंगे। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के यहाँ फाका था, खाने को कोई चीज़ मुयस्सर नहीं थी। आपने इस मौके पर एक रात किसी के बाग को पानी बेचकर डालने की मजदूरी की और इस काम पर सुबह को बाग वाले ने कुछ जौ दिए। आप उसको लेकर आए और घर में उस जौ के तीन हिस्से बनाकर एक हिस्सा चक्की में पिसवाया और उसे खजीरा नाम का एक खाना पकाया था। और खाने के लिए बैठे तो एक मस्कीन आया और दस्तक दी कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। आपने और घर के अफराद ने वो सारा खाना मस्कीना को दे दिया। फिर बाकी आटे में से कुछ निकाल कर पकाया और खाने बैठे तो एक यतीम आया कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। आपने ये खाना भी अल्लाह के नाम पर उस यतीम को दे दिया और आटे के आखिरी बचे हुए हिस्से को लेकर उसको पकाया। और खाने बैठे तो एक कैदी आया और सवाल किया, आपने ये भी अल्लाह के नाम पर दे दिया? इस पर ये आयत करीमा नासिल हुई और वो अल्लाह की मोहब्बत में मस्कीनों यतीमों कैदी को खाना खिलाते हैं। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।